बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी हिकमत टिप्स चैनल देखने वाले तमाम मेरे नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो दांतों के मतलब है, दांतों के अमराज के मतलब, जो दांतों से खून निकलता है उसके बारे में, अगर दांत किसी के कमज़ोर हैं उनके बारे में, दर्द होता है उसके मतलब। इस फलादी मंजन को मैं बनाने का तरीका आपको बताऊँगा। इस मंजन के इस्तेमाल से दर्द दांत इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर किसी भी किस्म का दर्द हो तो आप पहले दिन ही इस मंजन के इस्तेमाल से आपका जो दांत का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे भागेगा तो आपका दर्द जैसे चोर भागते है। ये मंजन दर्द दांत, मैल कुचैल, जहरीला मवाद, हर किस्म के दांतों के लिए, मर्ज के लिए ये ज़बरदस्त ये मंजन है। दांतों को साफ़ करता है, मसूड़ों को जो पीलापन है उसको, अगर दांतों को हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है तो ये जड़ से ख़त्म करता है। इसके इस्तेमाल से दांत मजबूत, मसूड़े सख्त होते हैं। इस मंजन को आपने किस तरीके से तैयार करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, हफ्ता बार अगर आप इस मंजन को इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो दांत के सेहत के हम जामन हैं, बड़े बड़े मंजनों के इस्तेमाल से अगर आपको आराम नहीं आया तो आप हमारा इस मंजन को जो हम बता रहे हैं आपको देसी टिप्स, इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप तमाम मंजनों को भूल जाएंगे, तमाम पेस्ट को भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, इसको बनाकर अपने घर में रखें। अगर किसी को तकलीफ़ हो, किसी वक्त भी हो, तो इस मंजन का इस्तेमाल करें दांतों में। इंशाल्लाह फौरी आराम देने वाला ये मंजन आपको बनाना बहुत आसान है। इसका किसी भी प्रसाद स्टोर से आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसको लाकर अपने घर में कूट कर इसको, इसका पाउडर बना लें, इसका सूप बना लें। दोस्तों, इसको जो बनाने का तरीका है वो सुन लें और अज्जा सुन लें। आपने अजवाइन खुरासानी एक तोला लेनी है। ये अजवा आप हसबे ज़रूरत भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। अजवाइन खुरासानी आपने एक तोला लेनी है। बाबड़ंग एक तोला आपने लेना है। अकरकरा आपने एक तोला। इन तीनों अजवाओं को हम वज़न आपने लेना है। अच्छी तरह कूट कर इसका सूप बना लें, किसी शीशी में इसको संभाल के रखें। ये फलादी मंजन आपका तैयार है। दोस्तों, इसको आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है, जब भी आप सुबह नाश्ता करें उसके बाद इस मंजन का जो है किसी ब्रश के साथ या उंगली को धोकर साफ करके इसके साथ भी आप मंजन को इस्तेमाल कर सकते हैं उंगली के साथ। रात को सोने से पहले इस मंजन का इस्तेमाल करें, फिर आपने कुली नहीं करनी। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम उसके रहमत से एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका दांतों का जो पीलापन है, दांतों का दर्द है, दांतों से खून आता है, दांत हिलते हैं, उनके लिए ये तीनों अज़ा काफ़ी हैं। बहुत ही मजरब ये देसी नुस्खा, देसी टिप्स, इसको बनाकर अपने घर में रखें। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे देसी हिकमत टिप्स चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर मुफीद मशवरे से नवाजा करें और हमारी वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखा करें। शुक्रिया। आप दीजिए देसी हिकमत टिप्स चैनल से इजाज़त। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।